माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है रेडी हो चुका है और किचन में हमारा पहला खाना है। हाँ जी। अहमद भाई भी पहुंच चुके हैं पर्चियां लेकर, खाना भी नहीं खा रहे थे पर्ची इतना लेकर आ गए हैं। क्योंकि ये जिस किचन में बैठे हैं ना, किचन का काम जो है ना हमारा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी लग चुकी है, देखिए यहाँ पर जो है ना सारे जमा हुआ पड़े थे तो उनको मैंने निकाल कर इकट्ठा कर दिया है। सुबह जो है ना झाड़ू नहीं लगाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी मेरा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज आपको दिखाते हैं व्लॉग, क्योंकि किचन का काम जो है ना हमारा मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी लग चुकी है, पानी वाली जो भी सेटिंग करनी थी वो सारी की सारी हो गई है। बेसन भी बाहर लग चुका है और अभी जो है ना सबसे पहले जो है किचन की ये पानी वाले की मैं हुमाई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है बेसन वगैरह धुलाई करने वाले थे सुबह के पड़े थे, क्योंकि काम वाले आ गए थे काम करने के लिए किचन का। तो मैंने कहा कि बर्तन फिर नहीं धुलाई किए थे, एक तो मशीन लगाई हुई थी, कपड़े जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे, जैसे कि मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे तो कपड़े भी मेरे धुलाई नहीं हो रहे थे, तो वो भी पड़े थे तो मैंने कपड़े धुलाई किए। और बाकी का घर का काम का सारे का सारा पड़ा था। तो अभी अभी जो है ना मैं शुरू कर रही हूँ अपने घर का काम, तो मैंने कहा व्लॉग भी बना के अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर दूँ। और छोटे बर्तन जो है ना वो मैंने धो लिए, अभी ये रखे हैं बड़े बर्तन, तो इनको भी मैं धुलाई कर रही हूँ। ये बर्तन वगैरह धुलाई करूँगी तो फिर शाम की रेसिपी का टाइम भी हो चुका है। तो आज हम बनाएंगे गाजर और मटर की रेसिपी, तो वो भी लेके रखी हुई है, अभी तक मैंने काटा नहीं है। मैंने कहा कि ये बर्तन धो के रख दूँ, फिर जो है ना सब्जी काटूँगी, उसके बाद जो है ना रेसिपी बनाना शुरू कर दूँगी। माशाल्लाह जी ये किचन में ना कचरा वगैरह पड़ा था, तो मैंने कहा कि इस कचरे को ना सफाई कर लूं, जैसे कि वो सुराख वगैरह दीवार में निकाले थे तो सारे ईंटों के टोटे वगैरह पड़े थे, तो इस तरह करके ना, तो मैंने कहा कि ये जो है ना झाड़ू लगा के इसको जो है ना साफ कर लूं। तो अभी इसकी सफाई कर रही हूँ। बर्तन जो है ना वो मैंने धो के वहाँ पर ऊपर अभी रख दिए हैं, तो मैंने कहा कि इसमें झाड़ू लगा के ये जो ईंटों वाले जो है ना टोट के जैसे होते हैं ना सारे के सारे, मैंने कहा ये बाहर निकाल दो। ये देखें यहाँ पर जो है ना सारे जमा हुआ पड़े थे तो उनको मैंने निकाल कर इकट्ठा कर दिया है। तो ये तगारी में लेकर आई थी, तो इसमें जो है ना वो ईंटों वाले टुकड़े जो है ना सारे इन तगारी में डालती हूँ और ये जगह जो है ना सफा हो जाएगी। ये देखें कुछ बड़ी ईटें भी थी वो मैंने निकाल दी हैं और ये छोटे छोटे से पड़े थे टुकड़े, मैंने कहा कि इसको भी बाहर फेंक दो, क्योंकि ये कचरा जो है ना सही नहीं लग रहा, किचन की सफाई हो जाएगी, फिर जो है ना अभी इसका धुलाई वाला काम रहता है, क्योंकि इसकी अभी धुलाई करनी है, तो वो इंशाल्लाह सेटिंग जो है ना वो सुबह करूँगी, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना, तो मैंने कहा सिर्फ ये वाले ईटे पे तो के जैसे पड़े हैं ना ये बाहर निकाल दूं। सुबह जो है ना झाड़ू नहीं लगाया था, झाड़ू लगा रही थी तो फिर काम वाले आ गए, तो फिर मैंने जो है ना ये काम झाड़ू वाला रख दिया था। कमरों के अंदर तो सफाई कर ली थी लेकिन ये बाहर की सफाई जो है ना मैंने नहीं की थी, तो अभी सारे का सारा कचरा जमा हुआ पड़ा था घर में, तो मैंने कहा कुछ तो सफाई अभी कर लेती हूँ और कुछ काल कर लूंगी। ये वाला कचरा जो है ना मैंने कहा ये जो है ना इकट्ठा करके इसको उठा लूं, फिर बाकी का जो है ना अच्छे तरीके से सफाई जो है ना वो तो एक दो दिन लगेंगे, जैसे सहन पर ईंटें वगैरह पड़ी हैं और ऊंची नीची जगह जैसे होती है तो उस पर जो है ना मिट्टी वगैरह डालनी है, तो ये वाला काम तो करती रहूँगी। तो मैंने कहा कि अभी जो है ना फिलहाल ये गमला जो है ना टूट गया था, वो जो पौधे वाला होता है वो पौधे बकरियां खा गई थी,
तो गमला ये मट्टी का भरा हुआ रखा था, तो मैंने कहा कि ये मट्टी जो है ना, ये जगह जो है ना काफी नीचे है, तो यहीं पर इसको रख के फिर ऊपर से ना कूट दूध के ये सीधी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको कूटना शुरू कर दिया। माशाल्लाह जी, जैसे आपको दिखा रही थी कि ये इस जगह पे ना सारे का सारा कचरा हुआ पड़ा था, तो मैंने सारी जो है ना सफाई की है, झाड़ू वगैरह जो है ना सारा का सारा लगा दिया है। ये देखें मुकम्मल सैंड पर झाड़ू ओके हो चुका है मेरा, और आगे भी गेट तक जो है ना मैंने सफाई कर ली है, और उसके बाद जो है ना बाकी का सफाई जो है वो तो होती रहेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा उस सफाई को करते करते। ये वाली चीज़ें जो है ना ये भी मैंने यहाँ से उठानी है, क्योंकि ये ईंटें वगैरह जो है ना ये भी एक साइड पे बाहर रखनी है, और ये तोड़ी रखी है इसको जो है ना वो किचन की छत की लिपाई करेंगे, तो ये उसके लिए रखी है, ये भी यहाँ से चली जाएगी। फिर ये चारपाई की जो लकड़ी पड़ी है ना, ये चारपाइयाँ टूटी पड़ी है, तो ये भी उठा के मैंने कहा कि ये वॉशरूम की छत के ऊपर जो है इसको आप रख देना, और ये भी ऊपर चली जाएगी। ये पंखा जो है ना कूलर वाला, इसकी मोटर ख़त्म है, ये भी ख़त्म हुआ पड़ा है, तो मैंने कहा कि इसको भी ऊपर रख देना। वो चेयर टूटी पड़ी है वो भी, तो बाकी का जो सामान है ईंटें वगैरह ये भी यहाँ से उठा लूँगी, तो ये जगह जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो इस पे झाड़ू वगैरह लगा के ईंटों के टुकड़े वगैरह जो है ना वो भी बाहर निकाल दूँगी, तो फिर इसमें मिट्टी वगैरह डाल के ये बराबर सीधी जो है ना ये वाली कर दूँगी, और ये जो किचन खड़ा है ना हमारा, ये बिल्कुल अब जो है ना ये दरवाजे के सामने आ गया। ये देखें यहाँ से बाइक लेके जाए ना तो ये किचन की ये जगह जो है ना ये बाइक को जो है ना थोड़ा वो करती है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस किचन में अब हमारा तो नहीं है काम, तो इसको तोड़ दूंगी। ये ईंटें वगैरह जो है ना ये भी इस किचन की निकाल के इसको भी एक साइड पे रख दूंगी, फिर ये जगह जो है ना हमारी साफ और सही हो जाएगी, ये वाली जगह भी हमारी सही हो जाएगी। बाकी जैसे आपको दिखाया था कि मैंने सैंड की लिपाई वगैरह की थी सारी की सारी, वो जो है ना अभी जैसे भी काम हुआ है तो लिपाई वगैरह वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। जैसे यहाँ पर सल्फे वगैरह बनाई थी अलमारी की, तो ये देखें सारी मिट्टी जो है ना उन्होंने सीधी की थी जगह, तो ये मिट्टी उखाड़ी थी, तो ये भी ऐसे है। और ये किचन के आगे वाली ये वाली जगह जो है जहाँ पर मैंने ये मिट्टी डाली है, तो ये काफ़ी नीचे है, तो इसको भी मिट्टी डाल के बराबर करना है, क्योंकि पानी जो है ना किचन के अगर फर्श को धुलाई करें तो पानी बाहर जो आए ना तो फिर ये किचन के दरवाजे के आगे ना खड़ा रहे, मतलब ये ऐसे जाके फिर ऐसे बाहर चला जाए, तो इसकी भी सेटिंग करनी है। मतलब काफ़ी सारी जो है ना सेटिंग वगैरह जो है मैं करनी है मैंने, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करती रहूँगी, क्योंकि आज जो है ना सारा दिन मैंने कपड़े धुलाई किए हैं। ये देखें वहाँ से लेकर और वहाँ तक ये मुकम्मल तना जो है ना मैंने कपड़ों का भर दिया है। कुछ जो है ना कपड़े वो मैं भाभी के घर में डाल के आई हूँ, वो वहीं खड़े हैं, तो एक तना यहीं पर था, तो पूरा दिन मुझे लग गया था ये कपड़े वगैरह धुलाई करने में, तो इसलिए और काम तो मैं कर नहीं सकी। तो अभी देखें टाइम शाम होने वाली है, तो मैंने मौसफिरा को कहा कि आप जल्दी से सब्जी काट लें, जब तक मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह जो है ना ये सेटिंग करती हूँ सफाई करती हूँ, तो आप सब्जी काट लेंगी तो मैं जो है ना रेसिपी बनाना शुरू कर दूँगी। तो अभी वो काट रही है, और जैसे ही वो काट के फ्री होगी तो मैं सामान वगैरह जो दूसरे किचन में रखा हुआ है उसको उठाऊँगी, फिर इस किचन में डालूँगी, और यहीं पर बैठ के जो है ना ये रेसिपी वगैरह बना दूँगी, क्योंकि असर की अजाने जो है ना होने वाली हैं, तो सामान वगैरह इकट्ठा करते करते जो है ना अंधेरा हो जाएगा। फिर वहाँ पर जैसे कि आपको पता है उस किचन में हमारी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अंधेरा हो जाता है। वो वाला सेंटर वाला सामने वाला जो बल्फ लगा हुआ है ना उसकी रोशनी जो है आगे किचन आ जाता है, तो वहाँ तक नहीं पहुँचती, तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सामान जो है ना इस न्यू किचन में रख दूँ, और रेसिपी जो है ना आज वही बना लेती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर भी बल्फ लगा हुआ है, और वो दूसरा बल्फ जो है ना उसकी रोशनी भी किचन के अंदर जाती है, तो अंधेरा भी हो जाएगा, तो बल्फ की लाइट जो है ना वो दोनों बल्फ की लाइट जो है ना किचन में पहुँच जाएगी। तो सामान अभी ओके करती हूँ, सारा का सारा वहीं पर रखती हूँ, फिर बाद में रेसिपी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह जी, गाजरा वगैरह जो है ना वो मैंने काट ली है, मतलब मुस्फिरा ने काटी है, मैंने नहीं काटी।
मसाले वगैरह उन्होंने काटे हैं, तो मटर रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि मटर जो है ना ये निकाल लूँ, और उसके बाद धनिया वगैरह रखा है वो भी काट लूँ। तो अजान भी आ रही है, तो मिलते हैं अजान के बाद। चूल्हा जो है ना अभी फिट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा काफी हो चुका है, तो वहां से बाहर वाले किचन से लेकर यहाँ पर मैंने रख दिया है। सिलेंडर जो है ना नीचे रख दिया है, चूल्हा ऊपर रख दिया है, और बाकी के बर्तन वगैरह जो है ना यहीं पर रखे हुए हैं। और अभी चलती हूँ, नमक मिर्चे और हल्दी वगैरह घी वगैरह वो जो है ना बाहर रखा है, अभी उसको लेकर आती हूँ, तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। चूल्हे को धोया है ना, तो अभी गीला है, शायद आग नहीं लग रही, उसको लगा रही हूँ आग, तो थोड़ी देर बाद लगेगी। आप बंद कर दो गैस, आपने अभी धोया है तो फिर ऐसे करो ना, इसको उठा लो और इसको साफ करो पहले, क्योंकि पानी होगा ना, पानी से कहाँ आग लगती है। अच्छा, मैं कोई कपड़ा लेकर आती हूँ तो इसको साफ करती हूँ। और यहाँ पर देखें बच्चे जो है ना चटाई बिछा कर सुकून से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैंने किया मैं खाना बना लूंगी, और जैसे ही खाना बन जाएगा तो आप लोगों को दे दूंगी, आप खाना खा के फिर जाके कमरे के अंदर सो जाएंगे। आज न्यू किचन में हमारा पहला खाना होगा। हाँ, न्यू किचन बच्चे वगैरह भी सब बैठेंगे और हम भी बैठेंगे और इंशाल्लाह खाना खाएंगे। पहली मरतबा इस न्यू किचन में बैठ के हमने खाना खाना है। हाँ जी, कैसे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमारा न्यू किचन कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और अच्छा। वाह जी वाह, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। चलो आप कपड़ा ले आओ, इसे साफ कर लो। मैं साफ करती हूँ क्योंकि शायद काफी हो गया है, क्योंकि शाम हो गई है जी, मगरब की अजान जो है वो हो चुकी है। जैसे आप तमाम बहन भाई जानते हैं काम वगैरह हो रहा था सारा, तो इस वजह से जो है ना हमने कहा कि ये काम वगैरह हो जाए फिर खाना तो आज के दिन लेट बन जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। इस वजह से जो है ना सारा दिन मुकम्मल काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओके हो गया है किचन का। और अभी चूल्हा वगैरह भी हमने सेट कर दिया है, बर्तन वगैरह भी सारे देखे इधर रखने हैं, सेट करने हैं। वैसे भी ये इधर ही रखे रहे तो कोई टेंशन नहीं होगी, दो के इधर रख लिया, सही है ना? ऊपर जगह नहीं भी बनती तो इधर भी रखे रहेंगे, और बाकी सामान और बाकी जो है ना आटे वगैरह वाली ड्रमिया वगैरह वो चीजें जो है सुबह इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, और सुबह वाली वीडियो आपने जरूर देखनी है। सुबह जो है ना कल का जो मतलब सामान वगैरह और किचन का जो सामान है ना वो सारा के अंदर जो रखा हुआ है वो मुकम्मल जो है ना हम यहाँ पर इधर ले आएंगे, और फ्रिज को जो है वो भी हम उधर ले आएंगे, उस कोने में फ्रिज हमने उधर रखनी है। और क्योंकि कमरे के काफी जो है ना कमरे छोटे हैं जैसे आप जानते हैं, तो काफी सामान जो है ना कमरों में पड़ा हुआ है जो कि किचन का, वो सारा लेकर किचन में रखेंगे, फ्रिज वगैरह भी आ जाएगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे जैसे भी होगा। आग जी अभी मैंने जला दिया है, क्योंकि इसको चूल्हे को जो है ना अच्छे तरीके से मैंने साफ किया था, और साफ करके कपड़ा जो है ना खुश कपड़ा लगा के अभी इसको चला दिया है, तो ये चल रही है। तो कढ़ाई जो है ना यहाँ रखी है, अभी कढ़ाई को ऊपर रखती हूँ और रेसिपी बनाना जो है ना वो शुरू करती हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता है ना अंधेरा हो गया है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा कैमरे का। तो ये घी है, यहाँ से उठाती हूँ चम्मच, क्योंकि टोकरा जो है ना बर्तनों का भरा रहता है, तो इसलिए ना चम्मच शायद यहाँ नहीं है। वसीम, वो जो दोपहर को आपके अबू खाना लेकर आए, वो सालन लेकर आए थे ना, उसी सालन में जो है ना चम्मच रखा है ये हांडी वाला, वो लेकर आओ। शाबाश, जल्दी से, अंधेरा हो गया है, मैं ना आपको वो बड़ी लेट का इंतजाम करके देता हूँ। हाँ, तो अंधेरा हो जाएगा फिर आपकी वीडियो का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सही है, वो बड़ी लाइट लगा दे, क्योंकि वीडियो भी बनाते रहेंगे और रुशने भी काफी ज्यादा हो जाएगी। घी जो है ना अभी इसमें डाल रही हूँ, खत्म हो गया घी भी। देख ले सेटिंग जहाँ पर बनती है वही ये कर दे बेटा, ये धो दो बेटा, सालन माला है। घी जो है ना मेरा यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा कि वसीम जब तक चमचा धोएगा फिर लेकर आएगा, तो क्यों ना घी जो है मैं डाल दूँ। कढ़ाई जो है ना गर्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा इंतजार नहीं करूँ वसीम की। तो अभी जैसे ही हमारा घी गर्म होता है तो इसमें हम मसाले ऐड करते हैं, और रेसिपी जो है ना ऐसा समझे कि शुरू हो गई है हमारी।
मसाले जो है ना मैंने इसमें डाल दी, बना दी इसलिए हम हमारे अभी जी बारी आ चुकी है मिर्ची ऐड करने की, तो सबसे पहले जो है ना हम मिर्ची ऐड करते हैं। और मिर्ची जो है ना कुछ कड़वी है, रात में पे आलू में ना थोड़ी सी ज्यादा डाली थी काफी कड़वी हो गई थी, तो इसलिए इसमें जो है ना मैंने कम मिर्ची डाली है। मैंने कहा कि ज्यादा मिर्ची हो जाए तो फिर भी ना हम खाते हैं और ना ही बच्चे खाते हैं। तो अब एक चम्मच जो है ना हमने हल्दी का डाल दिया है। बच्चों का काम चेक कर रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए बच्चे जो है ना सुकून से चटाई बिछा के सोए पड़े हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है कि खाना वगैरह थे यहीं पर बना के, रोटियां बना के या चटाई पर बैठ के सब मिलके खा के फिर जाके सो जाते हैं। क्योंकि कमरे के अंदर जो है ना जैसे रोटी और सालन ये चीजें गिराते रहते हैं, तो बिस्तर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तो सारे बिस्तर भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अभी जो है ना जब हम जाएंगे ना शहर, हाँ, वो सरप्राइज लेने के लिए जी, तो एक ना वो दस्तरखान ले आना है। हाँ दस्तरखान लेना है क्योंकि वो बिछा के खाना खाया फिर उसको अच्छी तरह से समेट के रख दिया, ताकि ये रोटी उनके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं ना, उसका जो है ना काफी ख्याल करना चाहिए। सही बात है। अभी मैंने जो है ना इसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि जल रहा था हमारा मसाला जो है ना। अब जैसे ही हमारा मसाला भुनाई होगा तो उसके बाद जो है ना हम गाजर और मटर ऐड करेंगे। अभी बारी आ चुकी है गाजर और मटर ऐड करने की, तो मैंने कहा कि इसको धो लूं, धो के फिर जो है ना जाके ऐड कर लूं। तो अभी जा रही हूँ इसको ऐड करने के लिए। मसाला जो है ना मेरा अच्छे तरीके से ये देखो भुनाई हो चुका है। अभी नीचे जो है ना चिपक रहा है तो इसको ये डाल देते हैं। माशाल्लाह जी, अभी इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से और साथ में नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि भुनाई के दौरान नमक डाल दिया जाए तो फिर ये सालन में ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैंने भी इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से। अभी जो है ना गाजर और मटर जैसे आपको दिखाया है कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको जो है ना अभी मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसको ऊपर से ढकना लगा के इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये पानी अपना निकालेगी और जैसे ही वो पानी खुश्क होगा उसके बाद जो है ना फिर देखूंगी और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगी। और आटा भी मेरा गुंदाई हो रहा है, जैसे ही मेरा सालन तैयार होगा वहां पर आटा भी गुंदाई हो जाएगा तो फिर हम रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। अभी जो है गाजर जैसे मैंने धो के डाली थी तो उन्होंने अपना पानी निकाला था, तो वो अभी खुश्क हो चुका है, तो मैंने कहा इसकी भुनाई कर लो। अभी तक जो है ना गाजर हमारी गली नहीं है तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। ज़्यादा तो मतलब ये सख्त नहीं है, बस थोड़ी सी सख्त है, थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दूंगी तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही वो पानी खुश्क होगा तो हमारी गाजर जो है ना वो तैयार हो जाएगी। मैंने कहा कि इसकी भुनाई करके इसको चेक कर लूँ कि क्या कंडीशन है, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है और इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद जो है ना देखूँगी कि ये हमारी रेसिपी जो है ना फिर तैयार हो जाएगी मुकम्मल तरीके से। माशाल्लाह जी, जैसे मैंने पानी डाला था तो पानी जो है ना हमारा खुश्क हो चुका है, गाजर भी ये गल चुकी है, तो मैंने कहा कि इसको ना भुनाई कर लूँ अच्छे तरीके से। और सबल धनिया भी रखा हुआ है काटा हुआ, वो भी इसमें डाल दूँ और रेसिपी जो है ना हमारी तैयार हो जाएगी। अभी थोड़ी देर है इसको, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए तो फिर इसको चूल्हे से नीचे उतार दूँगी। माशाल्लाह जी, रेसिपी जो है ना मेरी तैयार हो चुकी है, तो मैंने कहा बहन भाइयों को दिखा दूँ। ये देखिए गाजर की रेसिपी जो है ना वो रेडी हो चुकी है और अभी इसको मैंने नीचे उतार दिया है और चूल्हे के ऊपर तवा भी हमने रख दिया है। और अब रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रोटियां बनाएंगे फिर जो है ना खाएंगे। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है रेडी हो चुका है और किचन में हमारा पहला खाना है। हाँ जी, अहमद भाई भी पहुंच चुके हैं पर्चियां लेकर, खाना भी नहीं खा रहे थे पर्चियां इतना लेकर आ गए हैं। ये जिस किचन में बैठे है ना
इसका हिसाब किताब है। मैंने कहा आज पहला खाना खा रहे हैं, इनको कहता हूँ कि भाई खाना खाना जरूर खाओ, अल्लाह पाक नसीब में करे, लेकिन पहले हिसाब चुपटा करो। क्योंकि सामान मंगाते रहे देते रहे तो उसका हिसाब करना बेहतर होता है। हाँ जी। तो खाना खाना तो आ जाए जी, खाना 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 मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना जी वेलकम, वो आ सकते हैं। हाँ जी। और वीडियो भी हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।